Usman. All speakers call a picture. Miski. Acha, sunen zara. Speaker mode oldu. Do speaker mode oldu. पाकिस्तानियों 20 घंटे से मैं इस कंटेनर में पख्तूनख्वा से लेकर यहां पहुंचा हूं 20 घंटे में इसमें मैंने क्या देखा इसमें मैंने सबसे पहली चीज मैंने देखा कि मेरी कौम ने अपने खौफ के ऊपर काबू पा लिया खौफ से आजाद हो गई है मेरी कौम जो ये हमारी हुकूमतें डराती थी पुलिस के तशद्दुद से झूठे केसेस से आंसू गैस से मौत से ये मैंने पहली दफा देखा है कि मेरी कौम इन सब सारे खौफ से आजाद हो गई पाकिस्तानियों जब तक कौम अपने खौफ के ऊपर काबू नहीं पाती उसको आसानी से गुलामी करवाई जा सकती है हमें सालों से कभी खौफ दिलवाया जाता है कि अगर अमेरिका ने पैसे ना दिए या एड ना दी तो पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाएगा या हमें खौफ दिया जाता है कि पाकिस्तान में तो कोई इक्तदार में आ ही नहीं सकता जब तक अमेरिका आपकी मदद ना करे हमें खौफ ये दिया जाता है कि जी अगर हमने लोगों के सामने हाथ फैलाए ना भीख ना मांगी कर्जे ना लिए तो मुल्क नहीं चलेगा मैंने ये पहली दफा अपनी जिंदगी में देखा है कि मेरी कौम अपने खौफ के ऊपर काबू पा गई है और सही तरह आजाद हो गई है दूसरी चीज मैंने देखी कि सारे रास्ते मैंने हर किस्म के लोग देखे गांव के लोग गांव की ख्वातीन नौजवान कारकुन बूढ़े बुजुर्ग मैंने इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम जिनको बागर कहते हैं मैंने उनको देखा हमें हमारी पार्टी को मम्मी डैडी कहते थे तो जो आंसू गैस का मुकाबला किया है इसकी तो कोई मिसाल नहीं जिस तरह हर किस्म सारे पाकिस्तान में कराची से लेके लाहौर में पंजाब के शहरों में रास्ते में पिंडी में इस्लामाबाद में रास्ते में हमारे बुरान जिधर पूरी तरह टियर गैस कंटेनर्स हर किस्म की कोशिश की गई कि हमारी इस आजादी की तहरीक को फेल करने की हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया गया लेकिन मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं